बॉलीवुड ने अपने एक और वर्सटाइल एक्टर को खो दिया है। फिल्म हैदर और रईस में नजर आने वाले हिंदी फिल्म एक्टर नरेंद्र झा का कार्यकर्ता से निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र महाराष्ट्र के अपने नायगांव वाले फार्म हाउस पर थे, जब उनको अचानक चेस्ट पेन हुआ। 55 वर्षीय नरेंद्र को लगभग सुबह 4 बजे तीसरी बार हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका ड्राइवर पास के हॉस्पिटल लेकर उन्हें पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले नरेंद्र को कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्होंने अच्छे से खाना खाया था और अच्छे से बात कर रहे थे। नरेंद्र के अचानक निधन से उनके परिवार में शोक बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी जैसे ही नरेंद्र के निधन की खबर आई, सेलेब्स और उनके फैंस ने शोक प्रकट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि नरेंद्र सलमान खान की अपकमिंग फिल्म रेस 3 का भी हिस्सा थे। दिल्ली में जन्मे और पले बड़े नरेंद्र ने फिल्म मोहनजोदड़ो और काबिल में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के बीच अच्छी छाप छोड़ी थी। नरेंद्र ने आइकॉनिक फिल्म मेकर में से एक श्याम बेनेगल की फिल्म सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो में भी काम किया था। इसके साथ ही घायल वंश अगेन, शोरगुल, हमारी अधूरी कहानी और पोस्ट 2 समेत कई फिल्मों में नरेंद्र काम कर चुके थे। टीवी सीरियल्स की दुनिया में भी नरेंद्र ने 20 से ज्यादा शोज किए थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक घर बनाऊंगा, बेगूसराय और आम्रपाली उनके हिट सीरियल थे। नरेंद्र ने अपना करियर 1992 में मॉडलिंग से शुरू किया था, उसके बाद वो कई एड में नजर आए। 2015 में नरेंद्र ने पूर्व सेंसर बोर्ड CEO पंकजा ठाकुर से शादी की थी। नेहा गुप्ता के साथ ASN लाइव की रिपोर्ट।